हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर चैनल के अंदर आपका स्वागत है और आज हम आपके सामने लेके आए हैं TVS जुपिटर। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, तो इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। इसकी प्राइसिंग क्या अपने को इंजन क्या ऑफर करती है कंपनी, क्या इसमें अपने को फीचर वगैरह मिल जाते हैं, तो हर चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। उसी के साथ साथ कलर की भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्कूटर है, स्कूटी बोल सकते हो या स्कूटर बोल सकते हो, जिसमें अपने को 15 कलर मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जुपिटर 125 के बारे में आज आपको बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार की की अपने को मिल जाती है TVS के लोगों के साथ साथ TVS की ब्रांडिंग की। बात करें की की, तो यहाँ पर इसकी की प्रेस होती है, तो जैसे एक्टिवा के अंदर अपने को सारे फीचर मिल जाते हैं, उसी प्रकार के इसके अंदर भी अपने को लगभग सारे फीचर मिल जाते हैं की के अंदर ही। इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, फुल्ली स्टाइलिश एंड सेमी डिजिटल। तो देख सकते हो इस साइड एनालॉग और इस साइड डिजिटल अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। स्पीडोमीटर में अपने को 120 तक की इसमें मेंशन की हुई है स्पीड। उसके अलावा इसमें अपने को टाइमिंग, एवरेज और ट्रिप वन ट्रिप टू, ये ऊपर के साइड में जो अपने नॉर्मल बत्ती होती है, जैसे इंजन इंडिकेटर और क्या मतलब फ्यूल, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, वो सारी चीज़ें इसमें ऊपर की साइड में दिखा देती है। ऊपर हल्की फुल्की अपने को क्रोम मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। उसके अलावा एक यहाँ पर अपने को साइड स्टैंड में इसमें ऐसा फीचर मिलता है, जैसे अपन साइड स्टैंड ओपन करते हैं, इसमें बीप की आवाज़ चालू रहती है, या तो स्विच बंद करने पर बंद होती है या फिर साइड स्टैंड क्लोज करने पर। बात करें सीट की, तो इस प्रकार का इसमें अपने को बूट स्पेस मिलता है, जैसा कि अपने ओला के अंदर मिलता है, सेम उसी प्रकार से दो हेलमेट तक की जगह इसके अंदर अपने को मिल जाती है, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक अपने को आगे की साइड मिलता है, जो कि 5.1 लीटर का है, और पीछे जो बूट है वो बिल्कुल खाली कर दिया गया है, पूरा का पूरा अपन यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। बात करें सीट की, तो सीट भी काफ़ी बड़ी अपने को मिल जाती है राइडर एंड पिलियन के हिसाब से। बाकी आप सीट की क्वालिटी देख सकते हो, डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी अच्छी और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन अपने को मिलती है। जो इसका फ्यूल गेज है वो प्रेस करके थोड़ा जैसे अपन स्विच ऑन कर सकते हैं उस प्रकार से होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड अपने को इसका फ्यूल ओपन करने की लीड मिलती है, जो कि काफ़ी हार्ड है खोलने के हिसाब से भी और बंद करने के हिसाब से भी। 5.1 लीटर का अपने को फ्यूल टैंक इसमें अपने को मिल जाता है। लगभग 45 से लेकर 55 तक की माइलेज अपने को ये आराम से दे देती है, और यहाँ पर एक चार्जिंग का ऑप्शन है USB टाइप, और नीचे एक छोटा सा स्पेस अपने को मिल जाता है। बाकी ये अपना क्लच, इसी का हैंड ब्रेक, उसी के साथ साथ यहाँ पर मिरर, हाई बीम, लो बीम, ये अपना हॉर्न हो गया, इंडिकेटर, ये अपना ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के हिसाब से, और सेल्फ वगैरह के बटन, ये सारी चीज़ें इसमें अपने को मिल जाती है। बात करें फ्रंट लाइट की या हेड लाइट की, तो फुल्ली LED सेटअप के साथ में अपने को मिलती है, उसी के साथ साथ अपने को DRL मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अपने को DRL लगते हैं। इसके अंदर एसेसरीज के अंदर अपने को ये इसकी जो कवरिंग आती है वो लगी हुई है। बाकी TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पर जुपिटर 125 की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि आप दे सकते हो। ये गाड़ी अपने को ऑरेंज, ब्लू और ग्रे कलर में तीन में मिलती है। मेटल की अपने को बॉडी मिल जाती है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें इसके डिस्क ब्रेक की, तो 220 mm का इसके अंदर अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो एंटोर के अंदर थोड़ा बड़ा मिलता है। सस्पेंशन मिल जाता है टेलीस्कोपिक, जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर अपने को मिल जाता है। बाकी लुकिंग के हिसाब से बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा लगता है। फ्रंट एंड रियर के अंदर अपने को 90, 90 और 12 के टायर मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर हैं, जो कि और काफ़ी अच्छे अपने को मिलते हैं। बाकी लुकिंग के हिसाब से और परफॉर्मेंस इंजन के हिसाब से काफ़ी बेस्ट स्कूटर है। बात करेंगे प्राइसिंग की, जो कि अपन बाद में करेंगे। आगे और पीछे दो अपने को हुक मिल जाते हैं इसमें, जो कि अपन अपना नॉर्मल जो सामान वगैरह होते हैं वो कैरी कर सकते हैं। फुटरेस्ट मिल जाते हैं प्लास्टिक की कवरिंग के साथ में, जो कि वाइब्रेट वगैरह में काफ़ी हेल्प करते हैं। 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक की अपने को वारंटी मिल जाती है, और यहाँ पर एक साइलेंसर दिया हुआ, डायमंड कट इसके अंदर अपने को अलॉय व्हील मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर तीन मॉडल मिलते हैं, एक के अंदर नॉर्मल अलॉय व्हील मिलते हैं, इसमें एक में ये ऐसे डायमंड कट और एक में स्टील व्हील।
टेल लाइट की बात करें तो नॉर्मली अपने को बल्ब के साथ में टेल लाइट मिल जाती है, TVS की ब्रांडिंग उसी के साथ साथ। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसके अंदर अपने को 125 cc का इंजन मिलता है जो कि 8.04 bhp की पावर देता है 6500 rpm पे और 10.5 nm का टॉर्क देता है 4500 rpm पे। एयर कूल्ड इंजन इसका अपने को मिलता है CVT गेयरबॉक्स के साथ में जो कि फुली ऑटोमेटिक सिस्टम आता है जैसे कि सभी स्कूटर में आता है। टॉप स्पीड इसकी 95 से 105 तक की रहती है, माइलेज 45 से 55 तक का रहता है। और बात करें एक बार फुल कराने के बाद में 250 से 300 तक की अपने को लगभग रेंज मिल जाती है। फ्यूल इंजेक्टर इसमें अपने को दिया गया है। बात कर लें ब्रेकिंग की तो SBT ब्रेकिंग सिस्टम आता है, डिस्क एंड ड्रम दोनों के साथ में अपने को मिलता है। डिस्क अपने को 220 mm का मिलता है फ्रंट में और ड्रम मिलता है 130 mm का। उसी के साथ साथ 12 इंच के अपने को टायर मिल जाते हैं, फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक और रियर में मोनो ट्यूब वेव गैस सस्पेंशन मिलता है, थ्री टाइप एडजस्टेबल। उसी के साथ साथ 108 kg का कर्ब वेट मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का अपने को मिल जाता है। ये इसका बेस वेरिएंट है जो कि स्टील व्हील के साथ में अपने को मिलता है, और ये मिड वाला वेरिएंट है जो कि अलॉय व्हील है लेकिन वो कुछ अलग प्रकार का अपने को मिलता है। बात करें इसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग की तो वो अपने को 84,485 रुपये से शुरू होती है और टॉप एंड वेरिएंट 91,427 रुपये का अपने को मिल जाता है। बाकी जल्दी ही और भी वीडियो आने वाली है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप अगर कोई सी भी गाड़ी खरीद रहे हो, बाइक, स्कूटी, स्कूटर या कोई सी भी, तो दो चार वीडियो कम से कम देखें, उसके बाद में डिसीजन लें। कोई भी वीडियो देख के